आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, ठीक है। जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक दरमियाने साइज का प्याज, इसे दरमियाने साइज में कटा हुआ। इसके बाद हमें चाहिए एक दरमियाने साइज का टमाटर और एक दरमियाने साइज का आलू, शिमला मिर्च मेन इंग्रेडिएंट, दो हरी मिर्चें और कुछ लहसुन के जवाब। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम अपनी सब्ज़ी को। फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हद पे ज़रूरत हम ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को हम गर्म होने देंगे, कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज ने अब थोड़ा सा अपना कलर चेंज करना शुरू किया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्राई होने देंगे, थोड़ा सा ये अपना कलर चेंज कर लें। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। थोड़ी देर के लिए हम इसके साथ प्याज के साथ मिक्स होने देंगे। अब इसमें मसाले ऐड करूँगी। इसमें सबसे पहले थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी, एक टीस्पून में सूखा धनिया, हाफ टी स्पून इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला और हाफ टी स्पून ही इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। टमाटर थोड़े मैश हो गए हैं, अब इसके साथ में ऐड कर दूँगी जो आलू मैंने काट के रखे हुए थे। आलू इसलिए मैं पहले डाल दूँगी शिमला मिर्च के लिए, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, शिमला मिर्च जल्दी हो जाती है। तो थोड़ी देर में दो तीन मिनट इसके साथ टमाटर के साथ मिक्स कर दूँगी। आलू को दो से तीन मिनट हो गए हैं, अब इन्होंने हमें इसकी शिमला मिर्च डाली है, इन्होंने अच्छी तरह मिक्स कर ली है और नमक ऐड करना मैं पहले भूल गई थी, वो भी मैंने उन्होंने ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रखूँगी, दम फ्लेम पर। जी तो इसको 10 से 15 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम लोग थोड़ी देर भूनेंगे। तो हमारी हांडी है अच्छी तरह से भून चुकी है, जिसको वो अपना घी भी इसमें छोड़ना स्टार्ट कर दिया। इसे एक मिनट और भूनेंगे और फिर इसको निकाल देंगे। जी तो तैयार है हमारी गर्मा गर्म सब्ज़ी शिमला मिर्च और आलू की। देखें कितने मज़े अलग सी लग रही है, तो धुआं भी उठ रहा है गर्मा गर्म। चलो आप भी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे फीडबैक दीजिए इसका।